तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम के लिए। तो यहाँ आई थिंक वो मंदिर के सिर्फ 800-900 मीटर के आसपास ही है। तो यहाँ पर आए हैं तो वहाँ पर जाना तो बनता ही है। तो चलो फिर हम निकलते हैं गाड़ी लेकर अपनी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना वीडियो में, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, तो जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नई वीडियो की। तो अभी हम निकलते हैं त्रिवेणी संगम के लिए और आप रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम के पॉइंट पे। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कौन सी तीन नदी है जो यहाँ पर उसका संगम होता है। वहाँ पर एक साथ तीन नदियाँ जुड़ती है तो वहाँ जाके देखते हैं, मुझे अभी यह पता नहीं है। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम के पास में ही एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा आपको, मुझे नज़र आ गया। यहाँ पर मैंने कार पार्क की तो उसके सामने ही है, तो मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। तो ये गेस्ट हाउस है, त्रिवेणी दर्शन गेस्ट हाउस। तो आपको सिटी के अंदर या मंदिर के आसपास नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको शायद चांस ही मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा उससे 800 या 900 मीटर दूर है। तो सही है, गेस्ट हाउस आपको यहाँ पर सुविधा अच्छी है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए फीस वगैरह है या फ्री ऑफ जाने देते हैं, और मोबाइल वगैरह आई थिंक लेना तो जाने ही देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा सा मंदिर तो आई थिंक मुझे दिखा नहीं है। तो चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, कैसा गेट है यहाँ पर। तो ये है त्रिवेणी संगम। तो ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर तीन नदियाँ जुड़ रही है, हिरण, कपिला और सरस्वती। तो तीन नदियाँ यहाँ पर एक साथ मिलने से यहाँ का नाम त्रिवेणी महासंगम रखा गया है। तो अभी चलो अब यहाँ से हम एंट्री करते हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई फीस वगैरह है नहीं, आप आसानी से आप यहाँ पर जा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से पूरा रहेगा, और यहाँ पर लोग कबूतर के और पक्षियों के लिए वो चारण वगैरह लेते हैं, दाने लेते हैं, और मछलियों के लिए वो पता नहीं वो बाहर बेचते हैं, वो आटे के गोले रहते हैं वो खरीद के यहाँ पर सब डालते हैं। तो यहाँ पर ये चेतावनी दी गई है, गुजराती में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि जब चंद्रदेव जी को श्राप मिला था क्षीण होने का, और उन्होंने हमारे भोले बाबा की जो तपस्या की थी और श्राप में से उनको मुक्ति मिली थी, तब यहाँ पर उन्होंने सरस्वती नदी पर स्नान किया था। और तब से यहाँ पर माना जाता है कि जो ये तीनों पवित्र नदियाँ हैं, यहाँ पर स्नान करने से और डुबकी लगाने से उनके जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
चलो दोस्तों, अभी हमने त्रिवेणी संगम भी देख लिया, तो अभी हम जाते हैं भालका की ओर और वहाँ पर देखते हैं कैसा मंदिर वगैरह है और आसपास का एरिया कैसा है, और खास करके वहाँ पर हमें शूट करने देंगे या नहीं। तो चलो हम श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए चलते हैं। तो अभी हम जाते हैं अपनी गाड़ी की ओर और वहाँ से सीधा जाता है भालका, और वो आई थिंक यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास होगा, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो आसपास का ये एरिया है, तो आराम से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और लोकल रिक्शा वगैरह भी मिल जाएगा आपको। तो चलो निकलते हैं, और लास्ट टाइम आपको यहाँ का गेट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बाहर की ओर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये आई थिंक खड़े मसाले हैं और इलायची वगैरह और मुखवास वगैरह है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो ये रहा हमारा गेट जो आप आखिरी बार देख रहे हो इस व्लॉग में त्रिवेणी संगम का। और इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर जो माताएँ बैठी है, तो ये कबूतर के दाने बेच रहे हैं, और ये बेसन के या पता नहीं कुछ आटे के लड्डू वगैरह जैसा दिख रहा है जो मछलियों को डालते हैं। तो सही है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी गला सूख रहा था, तो फिर अभी हम नारियल पानी के लिए रुके, तो नारियल पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। अरे अब अजी भाई, वो तो मस्त एक नंबर पानी वाला पानी पीते हैं। और भाई एक बात, यहाँ पर सस्ता भी है सिटी के कंपैरिजन में, तो बढ़िया। ये देखिए पानी, एक नंबर, मजा आ गया भाई। नारियल पानी का मजा ही अलग है। तो चलो अभी पेमेंट कर देते हैं भैया को और निकलते अपनी गाड़ी को। और आई थिंक मम्मी और मेरे जो भाई है वो अंदर गए हैं, वो थोड़े पीछे रह गए थे, मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गए थे, तो अभी वो जा रहे हैं अंदर। तब तक के लिए हम गाड़ी में बैठते और वेट करते हैं गाड़ी में ही, फिर निकलते हैं फालका के लिए। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में और अभी हम निकलते हैं भालका की ओर, और वहाँ जाके सीधा आपको दिखाता हूँ वहाँ का एरिया और कैसा है मंदिर वगैरह। तो तब तक के लिए आप रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों हम भालका पहुंच चुके हैं। आप सामने की ओर देख सकते हैं, ये उनका गेट है और ये मंदिर है। तो अभी हम गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, ढूंढते हैं पार्किंग और आपको मंदिर के और श्री कृष्ण जी के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये आप शिवलिंग देख रहे हो अभी, तो ये ब्रह्म कुमारी जी का अंदर पूरा बनाया हुआ है, जो अंदर आपको समझाएंगे ब्रह्म कुमारी के विषय में थोड़ा बहुत। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और अभी हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ बाहर की ओर आपको सब कुछ पूजा सामग्री मिल जाएगी, तो आप यहाँ से आप ले सकते हो और आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी अंदर जाके आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या इसका इतिहास वगैरह है। ठीक है दोस्तों, ये भी बढ़िया एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है देख सकते हो। और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं यहाँ पर कि तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पूरी आई थिंक हिस्ट्री बताई है, ये जगह का महत्व क्या है। तो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूँ। तो आपको पढ़ना है तो पूज कर देना वीडियो को और आप पढ़ लेना क्या है ये पूरा हिस्ट्री, तो गुजराती में भी और हिंदी में भी है। यहाँ पर शू स्टैंड है, यहाँ पर आप शू रख सकते हो और यहाँ पर थोड़ी सी सूचनाएं दे रखी है यात्रियों के लिए कि स्वच्छता रखे, यहाँ पर कूड़ा ना फेंके और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये रहा मंदिर। तो दोस्तों आपने हिस्ट्री तो पढ़ ही ली होगी जो आगे वीडियो में मैंने देखा है, और फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण जी का जाने का समय आया था यहाँ से पृथ्वी में से, तो तभी वो योग साधना में बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे। तो एक शिकारी था जरा नामक, तो उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर को हिरण या मुर्ग जैसा कुछ जानवर का वो मुंह समझकर उसको भेद दिया था, बाण चलाया था। तो वो बाण सीधा श्री कृष्ण जी के पैर में लगा, तो उस वजह से यहाँ पर एक तीर्थधाम बन गया है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपने आखिरी सांस लिए थे और पृथ्वी से अपने लोक चले गए थे। तो ये शॉर्ट में हिस्ट्री थी, बाकी का आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी है गुजराती में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पुश कर लेना। ठीक है, तो अभी हम अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए और बता तो रहे हैं कि आप अंदर शूटिंग करने दे रहे हैं, फोटो वगैरह लेने दे रहे हैं, तो हम भी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी तो हमने दर्शन कर लिए श्री कृष्ण जी के और अभी आपको दर्शन करवा देते हैं कि किस प्रकार से अंदर जो मूर्ति वगैरह रखा है, पीपल का पेड़ भी है अंदर, और यहाँ पर फोटोशूट करने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ये देखिए, ये जरा नमक शिकारी है और ये श्री कृष्ण जी बैठे है योग साधना में।
और ये वो पीपल का पेड़ है, हम देख सकते हैं यहाँ से। इस तरफ से दिखा रहा हूँ शायद अच्छे से व्यू है तो। और यहाँ पर आपको प्रसादी वगैरह मिल जाएगी, जो भी लेना है वो इस तरह से प्राइसिंग है यहाँ पर प्रसाद की। तो ये सभी पूजा विधि के लिए जो आपको करनी है उस तरह से पूरा प्राइसिंग है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से पूरा पीपल का पेड़ का जो था इतना सदियों पुराना सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी बैठे थे अपनी योग साधना में, और उस समय यहाँ पर उनको पैर पे तीर लगा था और अपने आखिरी सांस यहाँ पर लिए थे श्री कृष्ण जी ने। तो चलो अभी हम निकलते हैं, अच्छे से दर्शन कर लिए हैं श्री कृष्ण जी के, और यहाँ की हिस्ट्री भी आपको बता दी है, तो यहाँ पर जरूर आना, ठीक है। एक और बार देख लीजिए यहाँ का पूरा व्यू, यहाँ भजन कीर्तन भी चालू है। यहाँ पर महादेव जी का भी मंदिर है, नाम है प्रत्यक्षेश्वर महादेव। तो दोस्तों हमने अभी हल्का तीर्थधाम का भी अच्छे से दर्शन कर लिए है, श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लिए है। बहुत ही बड़ा ही शांतिदायक वो क्या कहते हैं वातावरण है, तो यहाँ पर एकदम शांति मिलती है और बहुत ही मज़ा आया। और आप भी बताओ आपको कैसा लगा यहाँ का पूरा माहौल और मंदिर। और ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, तो आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाएगी जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं अपने घर की ओर, मतलब कि अपने बहन के घर की ओर, वो रहती है माधवपुर में जो आपने आगे देखा था। तो अभी हम निकलने वाले हैं माधवपुर की ओर, और कल कहाँ जाते हैं वो देखते हैं, क्योंकि कल संडे भी है और माधवपुर में भी देखने की बहुत सारे जगह है, तो एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत। ज़्यादा टाइम तो नहीं रहेगा कल के दिन, बट ट्राई करते हैं जितना कवर होगा उतना कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो
तो इस व्लॉग को यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए